यानी बॉक्सेस को हमको काउंटिंग के थ्रू भरते जाना है, ठीक है? आइए देखते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8, फिर ऐसे आता है 10, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर एक बॉक्स, फिर आता है, फिर एक बॉक्स, फिर आता है, फिर एक बॉक्स। इसमें क्या करना है? इसमें हमें देखना है कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा संख्या कितने नंबर के हिसाब से बढ़ता गया है। तो आप देख रहे हैं 10 + 2 8 + 2 10 + 2 12 12 + 2 14 14 + 2 16 16 + 2 18। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये टू के मल्टीप्लीकेशन के थ्रू गया है। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18। तो ये दो दो के गैपिंग पे आगे बढ़ता गया, यानी हर संख्या में दो जुड़ता है, ऐड होता चला गया है। आइए इसी तरह हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम और क्वेश्चन देखेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे 8। बहुत इजी है, मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए आराम से सॉल्व कर लेंगे। 33 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, कितना गैप है? 4 बॉक्स बना हुआ है ऑलरेडी, उसमें हमें फिल करना है, ठीक है? तो ये 33 + 3 36 हुआ, फिर इसमें प्लस 3 करेंगे तो 39 हो जाएगा, फिर इसमें प्लस 3 करेंगे 39 + 3 42, फिर 42 में 3 ऐड करेंगे 45, फिर 3 ऐड करेंगे 47। कैसे? देखिए ये 36 दिया हुआ है ना, 36 में 33 माइनस कर देंगे अगर हम, तो कितना आएगा? 6 + 3 = 3 बचा, 3 दूसरा, यानी 3 3 की गैपिंग पे हमें चलते जाना है, फॉरवर्ड होते जाना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4, इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात, आपको टेबल याद होना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5 के साथ मिलूंगी और आपको 1 से लेके 2 से लेके पूरा 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए, ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़े उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो।